मैं इनकी एक थोड़ी सी आप लोगों को लाइव वीडियो में एक क्यूरी बताना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत जल्द इनकी पिक्चर्स भी जुल्फिकार में आपको पिक्चर्स देनी है। मैं इनकी पिक्चर्स आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग शायद हैरान हो जाएंगे। ये जो हमारे सामने बैठे हुए जुल्फिकार भाई, ही वॉज 125, बल्कि मैं क्यों बताऊँ, आप उनसे खुद ही पूछ लेते हैं। तो जुल्फिकार भाई ये मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं और लाइक 3 मंथ या 4 महीने होगा, हम लोग 4 महीने से साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और जुल्फिकार भाई मेरे वन ऑफ द बेस्ट डेडिकेटेड क्लाइंट है। तो मैं इनको बता ज़रूर मैं इनसे पूछूंगा कि जुल्फिकार भाई आपका वेट कितना था। 125 kg। तो गाइस 125 kg इनका वेट था और जब ये मेरे पास आए थे तो तकरीबन 118 घर के आ गए थे, ठीक है लाइक। लेकिन 125 पे इन्होंने अपनी डेडिकेशन स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद से 118 से मैंने इनको यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो लाइक 125 से जो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो अभी इनका वेट क्या है, अभी हम कुछ नहीं ना, तो 125 पे इन्होंने स्टार्ट किया, वो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। जुल्फिकार भाई ये वेट मशीन यहाँ पे पड़ी है, ये वेट मशीन खराब है यार, ये 3 kg ज़्यादा। अंदर वाली वेट मशीन ऑन करो वेट के लिए। तो ये जो अभी आपका जो वेट है वो कितना है? 96, 97। तो गाइस 125 से एक बंदा अगर 95 पे आ सकता है कितने महीने में? तकरीबन 4 महीने ऑलमोस्ट हम लोग हो चुके हैं, ये हमारा 5वां महीना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है भाई। तो 4 महीने में तो इन्होंने जो सबसे पहला वेट लॉस किया वो 125 से 118 था, फिर 118 से 108 हुआ, फिर 108 से कब हुआ 100, फिर 100 हुआ और फिर 100 के बाद अभी 95 या 96 में। चलो लेट्स सी द वेट, हम देखते हैं इनका वेट कितना है। हाँ जुल्फिकार भाई सिर्फ वेट मशीन पे सिर्फ शूज उतारेंगे आप, तो ये हमारे पास वेट मशीन यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये हमारे जो जुल्फिकार भाई मौजूद हैं, इनका 125 से इन्होंने अपना स्टार्ट किया था। नाउ इट्स 4 मंथ्स और अभी हमारा 5वां महीना स्टार्ट हो चुका है अभी बिल्कुल 2 दिन पहले। तो 4 महीने में इन्होंने 125 से 95 kg, 95 या 96, अभी लेट्स सी अभी वेट मशीन पे कितना इनका वेट आ रहा है। सुबह से खाया 2-3 किलो, तार हिल गया, तार लगाओ भाई। सो गाइज इट्स टाइम टू चेक लाइव लाइक वॉट वॉज द वेट ऑफ जुल्फिकार भाई इन द फर्स्ट। ज़्यादा हुआ था? हाँ कोई मसला नहीं, मुझे पता है कि सर 90s में 125 kg से। सो गाइज 125 kg से एक बंदा जब 90s में आ सकता है तो फिर आप सोचें कुछ और हो सकता है। इट डजेंट मीन कि ये सिर्फ मेरी एक्सरसाइज से हो सकता है या सिर्फ इनकी डाइट से होगा, सिर्फ द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड दैट इज योर डेडिकेशन। जो बंदा भी डेडिकेटेड खुद होता है वो अपना वेट लूज कर सकता है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये सिर्फ ट्रेनर की एफर्ट नहीं, ये एक हर इंसान की एफर्ट होती है। तो ये ही इज द ओनली पर्सन हु डिड अ ग्रेट जॉब इन देयर डाइट्स इन देयर एक्सरसाइज, देयर इज नो एक्सक्यूजेस इन एवरी डे लाइक मैं आज नहीं आ सकता एंड ऑल दैट। तो ये इस पर अभी हम ओके। सो गाइज आई एम गोना चेक यू लाइव द वेट, इट्स 90, ये जुल्फिकार भाई खड़े हैं एंड 94.3 kg। हियर इज अ पर्सन हु स्टार्ट फ्रॉम 125, नाउ ही इज ऑन 94 kg। दिस इज अमेजिंग गाइस। तो ये आप लाइव देख सकते हैं, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लूं। वेट ओके सो 94.3 गाइस एंड लुक एट दिस पर्सन एंड देन। तो वेट दिखाने का मकसद ये था लाइव कि मैं इसको भी कुछ एडिट करके कुछ वीडियोस करके कुछ मैं कुछ बना सकता था, बट ऑब्वियसली एक बंदे की डेडिकेशन को हम ज़ाया नहीं करते और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज़ होता है एंड दैट इज़ अ डेडिकेशन। डेडिकेशन अगर हो तो हर बंदा वेट लूज कर सकता है, तो वाई नॉट कि आप लोग भी कर सकते हो। तो व्हेन ही स्टार्ट हियर एट माई जिम एंड ही वॉज 125 kg एंड नाउ ही इज 94.3। So within 4 months, so it's a healthy or unhealthy if you suggest like dedication is the only thing is required। तो इस वजह से मैंने ये इसको लाइव किया ताकि आप लोग ये देख सकें कि इसमें कुछ छूट नहीं है मशीन के ऊपर, जो कि हमारी ये मशीन है, दिस इज़ अ ब्रांडेड टैनेट।